नाजीन सलामैकम मैं हूँ शौकत आब्दी पेश ख़िदमत है प्रोग्राम दीन की ज़रूरत क्यों नाज्रन ये एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ को शुरू करने का मकसद ये है कि दीन के बारे में फैली हुई ग़लत फ़हमियाँ और दीन के बारे में जो मुख्तलिफ तरीक़े के कन्फ्यूज़न्स हैं उनको कैसे दूर किया जा सके और मकातिब का बहुत बड़ा एहसान है कि मकतब से लेकर मदरसे तक कायम कर रखे हैं और उसके साथ ही जो किताब है मकातिब की उसके अंदर उसूल दीन फ़्रू दिन यानी बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सारी बातों को समझने का जो सलीका उसमें सिखाया गया है बताया गया है वो सब मौजूद है लेकिन नाजरीन क्योंकि हालात ये हैं कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं इसमें लोगों को उतनी अच्छी उर्दू नहीं आती है और अगर उनके सामने हम ये कहते हैं कि अरबाब फ़हमो जकान करीब तातील कला हो रही है तो ये उनके सर के ऊपर से जाती है इसलिए हम इस प्रोग्राम को इस तरह से ले जाएंगे कि वो कॉमन मैन जिसको बिल्कुल उर्दू नहीं आती है वो भी हमारे इस प्रोग्राम को देखकर दीन को समझ सके, यही वो बुनियादी वजह है कि हमने इसका अनवान रखा दीन की ज़रूरत क्यों और हमारे साथ मौजूद हैं हजतलास्लाम वालमुसमिन तंजीमकब के सेक्रटरी अली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब कबला मैं आपका इस्तवाल करता हूँ और इस्ताल करने के साथ में मैं, मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा छोटी सी कि सबसे पहले तंदीम्लमकाब का मुख्तर तारफ करा दें ताकि हम अपने प्रोग्राम को फिर आगे ले चलें शैतरजीम रहीम सबसे पहले मैं उस कादर मुतल की बारगाह में पना लेता हूँ उस शैतान के शर से जो इंसान का दुश्मन है उस नेगेटिव सोच से उस मनफी अमल और किरदार से जो इंसानियत को तबाह करती है चाहे वो शैतान की शक्ल में हो चाहे वो इकतदार परस्त हाकिमों की शक्ल में हो चाहे वो मेरी नफ्स की ख्वाहत की शक्ल में हो जो ख्वाहत शैतान का खिलौना बनकर इंसानियत को तबाह करती हैं मैं अल्लाह की बारगाह में जो एक और अकेला क़तों का मालिक और अपनी मखलूक से महब्बत करने वाला मालिक और खालिक और राजिक और पालने वाला है उसकी बारगाह में पना लेता हूँ और उसी के नाम से जो काहिर भी है जो सज़ा देने वाला भी है मजलूमों की तरफ से इंतकाम लेने वाला भी है लेकिन उसकी रहमत उसके अदब पे गलिब है मैं उस रहमान और रहीम परवगार के नाम से अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ जो रहमान और रहीम है उसके लिए भी रहमतें हैं उसकी जो उसे माने और उसके लिए भी रहमतें हैं उसकी जो उसे ना माने जो उसका मजाक उड़ाए जो उसे बुरा बाला कहे उसकी रहमतें उसके लिए भी हैं और उसकी रहमतें इस ज़िंदगी में भी हैं और आने वाली अगली ज़िंदगी में भी हैं मैं रब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ऐसे बुज़ुर्ग दिए ऐसी माँ बाप की आगोश दी ऐसा माहौल दिया जिसने मुझे अपने खालिक के निज़ाम को समझने के लायक बनाया और ये मैं समझ सका कि यह कायनात ये दुनिया ना ख़ुद से बनी है ना खुद से चल रही है इस दुनिया को चलाने का निज़ाम बनाया है उसी ने हम इंसानों के लिए भी जिंदगी चलाने का निज़ाम भी बनाया है इधारे तंजम्लमकब अरबी का लफ्ज है जो उर्दू में इस्तेमाल हुआ है दो में मकत मकतब की जमा है और मकतब उर्दू में इब्तदाई तालीम के ठिकाने को कहते हैं जिसे हम आप बेसिक बिल्कुल बेसिक एजुकेशन वो एजुकेशन जो इंसान की ज़रूरत है चाहे वो दुनियावी कहलाती हो चाहे दीनी ये तो हमने अपने लफ्जों को बनाया है पहचान के लिए ताकि पहचान सकें कि इंसान की ज़िंदगी को जितनी तरह के इल्म और नॉलेज और हुनर और स्किल्स की ज़रूरत है उन सब का हासिल करना इंसानों पर लाजिम है फरीज़ा है इतने लोगों का हर जगह जानकार बनना कि वो पूरी इंसानियत की ज़रूरत को पूरा कर सकें चाहे वो नॉलेज इंसान की અ ભલે નિયવી જિંદગી સે જુડી હો ચાહે આખિરત સે ચાહે વો નાलेज उसकी માદદી સી જિંદગી સે જુડી હો ચાહે રોહની જિંદગી સે ચાહે ઉસકી પરસનલ લાઈફ સે જુડી હો ચાહે સોસાયટી સે મુજે ઘર બનાના હે તો મુજે એન્જિનિયર સે લેકે મજદૂર તક ચાહીએ સોસાયટી મે ઇતને લોગ ઇન કામો કે કરને વાલે હોના ચાહીએ કે سارے ઇન્સાનો કી જરૂરત પૂરી કરે મે બીમાર હોંગા મુજે ડોક્ટર ચાહીએ ડોક્ટર કે સાથ પુરાય अमला चाहिए जो मुख्त ज़रूरतों को पूरी करे तो हर ज़रूरत इंसानी को पूरा करने इल्म का होना ज़रूरी है और इल्म यूनिवर्सिटी में कमाल तक पहुँचता है लेकिन यूनिवर्सिटी तक वही पहुँचता है जो स्कूल में कदम रखता है बहुत अच्छी बातचीत है मौलाना गुलाम अस्करी अल्लाह मकामा जिनका आपने नाम लिया वो हमारे फाउंडर थे इस इधारे तंद मकातब के उन्नीस सौ अड़सठ में उन्होंने इदारा क़ाय किया ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ अड़सठ जो हिजरी तारीख़ के लिहाज से पंद्रह जमादल ओला की तारीख थी हज़रत इमाम ज़ैन अलाविदीन आलाम के व लदत की तारीख और शायद ये मुनासिबत इस लिहाज से थी कि जैसे शहादत हुसैनी के बाद सैद सज्जात की बातें कोई नहीं सुन रहा था मगर उन्होंने मेहनत करके साठ हिजरी से पंचानवे हिजरी के बीच में पैंतीस साल में दुआओं के ज़रिए और अपनी सीरत के ज़रिए वो माहौल बदला कि जो लोग उनकी बात सुनने पर तैयार नहीं थे उनके बेटे इमाम मोहम्मद बािर की के लेक्चर्स को सुनने के लिए और अच्छी बातों को सुनने के वाँ लिए हज़ारों की तादाद में आके बैठते थे और नोट्स बनाते थे और इतना माहौल बदला कि जो इल्म की इंसानियत की बात सुनने पर लोग तैयार नहीं थे पैंतीस साल में उन्हें बेसिक एजुकेशन दे यूनिवर्सिटी तक पहुँचा दिया और सैद सज्जाद के बेटे मोहम्मद वाकाम और पोते इमाम जफ़ार सदक ने पूरे शहर मदीना को शहर बना दिया यूनिवर्सिटी बना दिया मुख्तलिफ कॉलेजेस थे जो मुख्तलिफ़लों की तालीम का वहाँ काबिल मुबारकबाद हैं वो कि जिनके ऊपर इतने मजालिम ढाए गए जी की जैसे जुल्म किसी को बोलने की इजाजत नहीं उसके बावजूद भी उन्होंने एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कायम कर दिया कायम करने वाले इमाम सैद सज्जाद फिर इमाम मोहम्मद अलाम की अला तरीन मंजिलों पर ले जाने वाले इमाम तो जाफर तक पहुंचा, वो जी, 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 पहुंचा। जी, तो सैयद गुलाम मकामा अपनी इब्तदाई जिंदगी थी अल्लाह कुछ लोगों को ऐसे हुनर देता है कुल इक्कीस साल की उम्र थी जब वो दीनी तालीम और उसके साथ उन्होंने दुनियावी तालीम भी ली थी जो दुनिया नहीं जानती है वो तिबिया कॉलेज से बी यूमएस भी थे माशाल्लाह और पोजीशन होल्डर थे पूरे कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन थी उनकी वो हकीम भी थे यानी उस वक्त का डॉक्टर और उनके छोटे भाईम ग़ुलाम बाकी भी उसी से निकले थे उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में गए और वो रिटायर्ड हुए थे तो चीफ मेडिकल आफिसर होके अगर ग़ुला अस्करी उधर जाते तो गोल्ड मेडलिस्ट थे शायद डायरेक्टर होके रिटायर्ड होते लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी कौम की ज़रूरत इलाज है बीमारियों का बीमारियों के दो समय है एक जिसमानी एक रूहानी और सारी बीमारियों की जड़ है जिहालत और सारी बीमारियों की जड़ है दीन से दूरी वाँ वाँ और बेदीनी उन्होंने तय किया कि हम एक एक बीमारी का इलाज नहीं करेंगे हम बीमारी की जड़ तक जाएंगे हकीम यही करता है बहुत अच्छी डॉक्टर जरा ऊपर से देखता है अलामतों से इलाज करता है लेकिन हकीम जड़ तक जाता है उन्होंने जड़ ढूंढी की कौम की इंसानियत की बीमारियां जितनी भी हैं उन सबकी चाहे गुर्बत हो चाहे बीमारियां हो, चाहे जंग वदल हो चाहे भूखमरी हो कत्ल वारत हो सबकी जड़ में दो चीज़ें हैं इल्म ना होना दीन ना होना और उन्होंने तय किया और हकीकत है कि सिर्फ़ इल्म काफ़ी नहीं है इल्म अगर दीन के बगैर, इल्म अगर ईमान के बगैर इल्म अगर कंट्रोल के बगैर इल्म अगर किसी निगरान के बगैर हाथों में दिया जाए आगे कराती के अल्फाज में किलम एक चाकू है इससे फल भी काटा जा सकता है गला भी गला काटने से कौन चीज रोकेगी वो इल्म नहीं रोकता अगर इल्म अकेला काफी होता तो आज एटम बम न बनते बहुत अच्छी बात है बहुत जहालत बहुत बुरी चीज़ है लेकिन जहालत का नुकसान इंसान को कम पहुंचता है लेकिन बेकाबू इल्म बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है एक जाहिल चाकू से एक आदमी को मारता है गन से पांच आदमियों को मारता है लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जिस पर कोई कंट्रोल कोई ब्रेक उसके पास नहीं है ना ईमान का ना खुदा का ना आखिरत का इसके अलावा कोई बरक काम करता हो तो मुझे दुनिया बताए तो फिर वो बम तो बनाता है ये इंसान का बनाया हुआ है और इंसानियत को तबाह कर रहा है तो इल्म बगैर दीन के तबाही लाता है गुलाम उन्नीस सौ बावन में इक्कीस साल की उम्र में वो वाजीन से निकले उनकी ड्यूटी थी गाँव गाँव जाओ और अच्छाई का पैगाम पहुंचाओ गांवों में जब उन्होंने सफर किया तो उन्होंने देखा कि बहुत परेशानियां गुर्बत भी है जहात भी है बीमारी भी है उन्होंने कहा हम हर चीज का इलाज नहीं कर सकते तो जो जड़ है उसको ढूंढ़ें उन्होंने तय किया कि हमें तालीम पहुंचाना है उन्होंने तालीम का आगाज पहले उनमें भी तालीम थी एक डॉक्टर बनाना एक दीन की राह पे लाना उन्होंने तय किया डॉक्टर बगैर दीन के बनाएंगे किडनी चुराएगा बहुत अच्छी इंजीनियर बगैर दीन के बनाएंगे बालू मिलाएगा ज्यादा पहले दीन लाओ इंसानियत लाओ ईमानदारी लाओ ताकि जो बने वो अच्छा बने दीनदार डॉक्टर इंजीनियर हर शोबे के अंदर जो आदमी हो वो दीनदार हो और उसको अपनी ड्यूटीज जो है और किसी को, को जवाब दे होना चाहिए जी, जवाब दे किसी का खौफ हो उसके सामने की कोई है जो देख रहा हो और हिसाब लेगा मेरी नॉलेज का भी लेगा मेरे ताकत का भी लेगा मेरे पैसे का भी लेगा हर चीज का हिसाब लेगा उन्होंने पहले दीनी तालीम से शुरू किया और फिर उसका खर्च भी कम था पेड़ के नीचे मस्जिद में इमाम बाड़े में बरामदे में उस समय पहले उन्होंने खुद खोल के पढ़ाया बंद जब दो चार महीने पढ़ा के किसी को लगा गए साल छः महीने बाद वापस आए तो बंद मिला तो फिर उन्होंने तय किया कि अब इसको मुनज़म करना है उस वक्त जितने इदारे लोग मदारस भी थे और आ, दूसरे इदारे भी थे मज़बूत अंजुमें थीं एसोसिएशन थे मजालिस थी उन्होंने सब जगह रखा कि ये ज़रूरी तालीम इब्तदाई ज़रूरी तालीम चाहे दुनिया में आगे बढ़ना हाई स्कूल कौन पहुँचेगा या स्कूल तक आए यूनिवर्सिटी तब खोलो जब पहले स्कूल से यूनिवर्सिटी तक ले के आओ हौज इलमिया में जाम इमामिया मदरसें आजमिया में सुल्तान मदारिस में वो आएगा जो नीचे से चल के आएगा लेकिन जब उनकी कहीं नहीं सुनी गई तब मजबूरा उन्होंने अदारा क़ायम किया तनजीम मक खोलो और उन्हें मनज़म करो यानी बेसिक बेसिक एजुकेशन के अपनी के हयात में जब मकात कुछ खोल लिए तो मुहिम चलाई कि मकतब को स्कूल से बदलो जहां मकतब और स्कूल एक साथ हो सकते एक छत के नीचे बच्चे को दिनों दुनिया दोनों की तालीम दी जाए लेकिन उन्नीस सौ उनका इंतकाल हो गया ये दो शोबे उन्होंने बड़े खोले थे जनवी तालीम के लिए स्कूल दीनी तालीम के लिए मकतब और उन्होंने देखा कि जैसे हर जिंदगी की जरूरत हर इल्म है डॉक्टर इंजीनियर वैसे ही आलिम जो दीन को समझता हो जो दीन को खिलौना न बनने दे जो दीन को रस्म व रवाज का जरिया न बनने दे जो दीन को इस तरह न पेश करे कि वह गले कटवाए और आई आए, आई एस आई एस के वजूद दिलवा दें दीन के नाम पर आलिम होना चाहिए दीन समझता हो इसलिए उन्होंने हौज़ इलमिया कायम किया जामह इमामिया तन्दू नातब के नाम से उन्नीस सौ तिरासी में उन्होंने बच्चों की तालीम के साथ बड़ों की तालीम सिलसिला शुरू किया खुवान का सिलसिला शुरू किया खान तरबियती कैम के नाम से उन्होंने पहले मदरसे का कॉन्सेप्ट दिया लड़कियों के लिए दीनी तलीम अली दीनी तालीम का उसके बाद वो दुनिया से रुखत हो गए फिर उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाया गया है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं हमारा मकसद अच्छी बात पहुँचाना दीन पहुँचाना इल्म पहुँचाना दीन पहुँचाने का मकसद यह है वो आलिम वो इंजीनियर वो डॉक्टर पैदा करना जो इंसान हो मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने दीन की बेसिक तालीम देने के लिए ख़ुद से एक शुरुआत की जी। पेड़ के नीचे बैठ कर इमाम बाड़ी के अंदर बैठ कर छोटे छोटे मकतब खोल कर और आज इस मंजिल पर यह तंजीमुल मकातिब पहुंच चुका है ठीक है तो वैसे ही उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, चाहिए। और तंजीमुल मकातिब की जो किताबें हैं मैंने उसमें देखा इमामिया उर्दू रीडर जी इमामिया दीनियात जी जी और कुरान मजीद को पढ़ना और दुरुस्त पढ़ना हमारे तीन सब्जेक्ट हैं लेकिन हम जहाँ जितना बच्चा कर सकता उतना उस पर बोझ डालते हैं जो हमारे दूसरे स्टेट्स हैं जहां उर्दू नहीं पढ़ते वहां हिंदी गुजराती बंगाली और अंग्रेजी में भी दीनियात छाप रखी आपके सामने बहुत अच्छी बात चीज़ है देखिए, नाजीन जो मैं बात कर रहा था और मकातिब का मैंने जो तारुफ जानना चाहा कि ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से काम किया जाता है अब चूंकि उनवान है दीन की जरूरत क्यों और दीन सब तक पहुंचे इसके लिए मकातिब ने जो काम शुरू किया था वो आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला आ, हुआ, हुआ है अट्ठारह स्टेट्स में अट्ठारह स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है तो अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो चूंकि दीन को समझाने के लिए जो तरीके बताया गया है जिसमें एक का नाम उसूल दीन और दूसरे का नाम फ्रूदी तो पहली बात तो मैं जानूंगा कि तीसरा हिस्सा इसी के साथ जरूर आता है उसका नाम है अखलाक हाँ ठीक है लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि सबसे बुनियादी सवाल है से क्योंकि जब हम शुरू कर रहे हैं कि दीन की जरूरत क्यों जो हमारा उन्वान है और दीन की जरूरत इतनी इंपॉर्टेंस थी कि मकातिब एक छोटे से मकतब से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है कि अट्ठारह स्टेट्स के अंदर फैली है अब मैं ये चाहूंगा कि दीन की जरूरत क्यों है इस पर बातचीत करें ताकि फिर वो हमारे नाजरीन जो दीन को समझना चाहते हैं जैसा आपने कहा कि भाई अगर अंग्रेजी समझना है तो उसके बेसिक्स को जानना जरूरी है हा? और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को तो समझना है तो उसके बेसिक्स के बेसिक्स केवल तक नहीं जा सकते तो हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे और ताकि हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद वो लोग जो मदरसे के अंदर नहीं जा सकते जो बहुत दूर बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों को कैसे दीन समझाएं जो बातें आपने किताबों में समझाई हैं मैं चाहता हूं कि वो किताबों के बाहर आकर इस प्रोग्राम के जरिए इस सीरीज के जरिए सब बात करेंगे थोड़ी सी रोशनी आप डालने की गवारा करें। अभी मैंने आपके सामने बात अर्ज की थी कौम पूरे मुल्क में हमारे जिन प्रॉब्लम से हम दो चार थे और आज भी हैं घट गई प्रॉब्लम लेकिन खत्म नहीं हुई है कल भूख मरी और भूख बहुत थी आज अलहमदल हमारे मुल्क ने तरक्की की है और मुझे भूखे लोग जो भूख से मर जाए कभी कभी बाद इलाकों से ख़बरें आती जब वहाँ बारिश नहीं होती लेकिन आम तौर पर मैं अपने गाँव को देखता हूँ मैं बाराबंकी ज़िले के एक गाँव से ताल्लुक रखता हूँ छोटा सा गाँव वहाँ से ग़ुर्बत घटी है पूरे मुल्क में देखता हूँ गुर्बत घटी है भूख घटी है जहालत भी घटी है बीमारियाँ भी घटी हैं लेकिन मिटा कुछ नहीं है अभी बहुत काम बाकी है जी जी। इसके पीछे हल वही है कि इंसान इल्म के ज़रिए अपने मसाइल को हल करे लेकिन मैंने उस वक्त भी बात कही थी कि अकेला इल्म जो बग़ैर कंट्रोल के है वो इंसान के लिए कभी बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है मैं खुद मौलाना गुलाम अस्कर मकामा की ज़बान में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दीन की ज़रूरत क्यों वो मिसाल देते थे कि इंसान जब कोई मशीन बनाता है तो एक मशीन को काम की एक रफ्तार दी जाती है रफ्तार जितना बढ़ती है उतना ही वो मंजिल से जल्दी नज़दीक पहुंचाती है वो चीज़ हम एक प्रेस प्रिंटिंग का प्रेस भी लगाएंगे तो उसकी हम सबसे पहले देखते हैं इसकी स्वीट क्या है मेरा ताल्लुक इन्हीं चीज़ों से तो मेरे तमाम मिसाल भी इसी की आती है अभी तो हम एक फोटो कापियर से प्रिंटिंग प्रेस का काम ले रहे हैं अल्लाउन बिला कि हम उतना प्रेस लगा सकें इंशाला और हम चाहते हैं मैं ये ज़िमनी तौर पर अर्ज करूँ कि हर इंसान के पास उन सब्जेक्ट्स पर जो हर इंसान के नॉलेज में आना चाहिए इंसान इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे बसर करे फैमिली कैसे चलाए अपनी रोजी के अंदर कैसे बस गुजर बसर कर ले दुलों के अंदर से नफरतें कैसे एक अच्छा इंसान कैसे बने उससे जुड़ी सारी चीज़ें उनकी एक छोटी सी लाइब्रेरी हर जबान में हर इंसान के लिए हम अरेंज कर सकें तो उसके तुस लिए चाहिए बहरहाल तो तरक्की जब होती है कल आदमी पैदल चलता था पैदल के बाद घोड़े पे आया स्पीड बढ़ गई घोड़े के बाद गाड़ी पे आया मोटर पे आया स्पीड बढ़ गई मोटर के बाद ट्रेन पे आया स्पीड बढ़ गई हवाई जहाज पर आया स्पीड बढ़ गई मिजाइल पर गया स्पीड बढ़ गई तो तरक्की बढ़ने से रफ्तार बढ़ती है लेकिन जितनी रफ्तार बढ़ती है तरक्की बढ़ने से ना खतरा उतना ही एक्सीडेंट के था था। चांसेस जी, बढ़ते जी, हैं ज्यादा लॉस होता है ये उनकी बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से उन्होंने और मुझे याद है वो कश्मीर में जब पैगाम देने गए थे वहाँ की उन्होंने ये तकरीर की थी जो प्रिंट भी हुई है और हमने इसको उनकी जितनी मीरास मिली हमने आडियो वीडियो सब यूट्यूब पर डाले हैं मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वाकई अच्छा इंसान बनना चाहता है और इंसानियत सीखना चाहता है तो गुलाम अस्करी को यूट्यूब पे सुने तरक्की से रफ्तार बढ़ती है रफ्तार से हादसा और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है इस हादसे और एक्सीडेंट से रोकने का तरीका है कि हर मशीन बनाने वाला जितना मज़बूत बड़ा इंजन बनाता है रफ्तार के लिए उतना ही मजबूत ब्रेक लगा तरक्की के साथ रफ्तार रफ्तार से हादसा, हादसा रोकने के लिए ब्रेक ठीक है इंसान से बड़ी तेज मशीन कोई नहीं है सारी मशीन इंसान बनाता है सबसे तेज रफ्तार मशीन इंसान है अगर इंसान बगैर ब्रेक के होगा तो सबसे बड़े एक्सीडेंट करेगा इसलिए इस मशीन के बनाने वाले ने इस तेज रफ्तार मशीन के साथ ब्रेक रखे हैं और उस ब्रेक का नाम दीन है बहुत अच्छी बात तो दीन है रफ्तार अलबत्ता दीन इस चीज का नाम है जो एक्सेलेट भी करता है और ब्रेक भी लगाता है और गियर भी चेंज करता है बहुत अच्छी बात तीनों चीजें एक साथ करता है तो कंट्रोल करने के लिए अपनी बेकाबू होती हुई ताकतों को दीन की जरूरत इसके मतलब दीन के माने ये है कि जो आम फैम लोगों तक पहुंच जाए पहुंच जाए कि दीन पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है दीन वे ऑफ लाइफ लाइफ जिंदगी गुजारने का मुसलसल तरीका जो है और उसूल और हदूद के अंदर जिंदगी गुजारी जाए

जिस लफ्ज इबादत को इस्तेमाल करता है या कुरान ने जिस लफ्ज इबादत दिया है और कुरान ने कहा हमने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो एक नासमझी वाला तस्वर आता है अपनी इबादत यानी हमारा सद्दा करे हमारी पूजा करे हमारे सामने सर झुकाए सकत नमाज पढ़ ला इक्यावन रगत नमाज पढ़ लें और हज कर ले और हज कर ले बस ये हम समझते हैं लेकिन ये नहीं है जी इबादत का मतलब है अल्लाह की के बनाए निज़ाम हयात वे ऑफ लाइफ की पाबंदी करना अल्लाह को मानना और अल्लाह की बात मानना जी अल्लाह और और को मानना जी अल्लाह की जात को भी मानना और अल्लाह की बात को भी मानना इबादत चंद चंद कामों के अंजाम देने का नाम नहीं है इबादत पूरी जिंदगी उसके बनाए सिस्टम पर चलने का नाम है हम कोई वे ऑफ लाइफ पक्का है कि चुनेंगे इसके बगैर हम जिंदगी इंसान को अकेले पैदा जानवर की तरह बनाया भी नहीं जानवर भी अपने लिए लाइफ तय करता है देखिए एक तर... बच्चा है साहब आप देखिए एक बच्चा पैदा होता है ठीक है तो वो बच्चा एक वक्त तक अपनी माँ के जरिए गजा लेता रहता है जी ठीक है लेकिन फिर एक वक्त वो आता है कि वो जिससे जुड़ा होता है जब उस सिस्टम को काट दिया जाता है तो उसके बाद फिर उसको एक्शन करना पड़ता है यानी अपनी ग़ा हासिल करने के लिए अपना दूध हासिल करने के लिए उसको माँ की छाती तक पहुँचना पहुँचाना हमारा काम है लेकिन एक्शन करना उसका काम है तो वो जो बच्चा इस दुनिया के अंदर आया है तो उसने एक्शन करना वहाँ से शुरू हो गया यही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो देखता है कि सूरज तो कहता है कि ये सूरज कहाँ जा रहा है किधर डूब रहा है इसे किसने बनाया पानी को बहता हुआ देखता है तो एक कौन बरसा रहा है तो ये सारे सवाल उसके अंदर पैदा होते हैं फिर जब वो और बड़ा होता है तो उसकी वो पोजिशन आती है कि फिर वो जानना चाहता है कि हमें क्या करना है हम क्यों इस दुनिया के अंदर आए हैं तो अब जब वो ऐसी पोजिशन के ऊपर आता है तो देखता है बड़ा हुआ अक् हुआ तो दीन के ही नाम पर वो दुनिया भर के कंफ्यूजन देखता है कि ये भी दीन है ये भी दीन है ये भी दीन है, ये भी भी दीन दीन है, है। अब एक ऐसी पोजिशन हो जाती है कि जिसने सबको बनाया वो देखिए स्कूल और कॉलेज के अंदर तो पढ़ता जरूर है कि जिसने सूरज चांद बनाया जिसने तारों को चमकाया जिसने फूलों को महकाया जिसने चिड़ियों को चहकाया जिसने सारा जगत बनाया हम उस ईश्वर के गाएं उसी के आगे शीश नवाएं ये पढ़ता तो जरूर है स्कूल के अंदर लेकिन उसके बाद वो अपने बनाने वाले के बारे में जानकारी नहीं हासिल करता यानी जिसने दीन भेजा है आखिर वो है कौन ठीक है और सबसे तो बड़ी बात तो उसकी फितरत उसको मजबूर करती है को ढूंढे मैं मैं एक बात आपको अभी यहां पे रोक के कहूंगा और आज उसको ही लेकर जो है दुनिया भर के डिस्प्यूट है कोई खुदा को मानता है कोई खुदा को नहीं मानता है कोई कई मानता है कोई जिस मानता है कोई बेटा मानता है कोई बेटी तो मानता है कोई एनर्जी और एटम से मिली हुई चीजों को खुदा मानता है कोई एनर्जी को खुदा मानता है आज खुदा को मानने वाले कोई किसी को नहीं मानता वो भी तो बताइए किसी को नहीं मानता और एक दूसरे से जो किसी को नहीं मानता वो सबको मानता है जो नहीं जो किसी को नहीं मानने की बात करता है कम से कम वो नहीं टकरा रहा लेकिन जो मानने का दावा कर रहा है वो एक दूसरे की जान खून के प्यासे हैं मैं यह चाहूंगा कि सच्चे दीन की तलाश में आप कौन सी ऐसी गाइडलाइंस को दे कि भाई अब ऐसे कंफ्यूजन के माहौल के अंदर वो तो सच्चे दीन की तलाश में हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालने की मैं सिलसिले में दो बातें आज करना चाहता पहले हमको ये तो बताएं कि भाई हम आपके पास दीन की बात लेके क्यों आए हैं दीन तो खून बहा रहा है दीन तो कतल गारत मचा है दिन तो एक दूसरे को टकरा रहा है दीन तो मोहब्बतें खत्म कर रहा है आप ये जो इंसान को तबाह किए हुए है आप वो क्यों लेके आए हैं तो पहले उसे बताएं कि भाई वो दीन

तो दीन को थोपने की चीज़ नहीं है जब तक ये ज़रूरत महसूस ना हो कि जैसे हवा हवा ज़रूरत है जैसे रोशनी की जरूरत है जैसे रोटी की ज़रूरत है जैसे मकान की ज़रूरत है इन सब से ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की वो है दीन ये इस नाचीज़ इंसान का मानना नहीं है कायनात के बड़े लोगों ने भी ये बात मा... लाजिक से हमको बात करना आज लाजिक का ज़माना है और नबू अली सैना का जुमला मुझे याद आता है कि खुदा को मानने के लिए मेरी दलील मेरे पास दलील इतनी काफ़ी है कि अली जैसा, जैसा आलिम और जानकार खुदा को मानता है लिहाजा मैं भी खुदा को मानूंगा उनके लिए इतनी दलील काफ़ी लेकिन दीन की ज़रूरत मैं बार बार अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहली बात मैंने अभी अर्ज की गुलाम वलमस्कर मकामा के अल्फाज में कि हम सबसे तेज़ रफ्तार मशीन है सबसे पावरफुल मशीन है हमारा पावर जिधर से बेकाबू होता है वहीं से बलए लाता है हमारी जबान जब आती है बोलने पर और कंट्रोल से बाहर जाती है तो कंट्रोल से बाहर जाके झूठ बोलती है झूठ तबाही लाता है कंट्रोल से बाहर जाके लोगों पर इल्ज़ाम लगाती है तबाही लाता है कंट्रोल से बाहर जाके के गालियाँ देती है बिगाड़ लाता है आँखें हमारी कंट्रोल से बाहर जाके के वहाँ तक पहुँचाती हैं जहाँ से नफ़रतें फैलती हैं हम अपनी आँखों से कीने मुंतिल करते हैं हमारी आँखों के इशारे फितने पैदा करते हैं या तबाहियाँ लाते हैं हमारे हाथ पैर चलते हैं यही हाथ अगर किसी में मुक्का बन के पड़े तो मुसीबत बन जाते हैं यही हाथ किसी कमजोर को हाथ पकड़ा के सड़क पार कराए मैं कहना चाहता हूं बहुत ज्यादा पावर वाली मशीन इंसान है अगर इसके साथ कोई कंट्रोल और ब्रेक ना हो तो ये बेकाबू होकर तबाही फैलाएगा और उस कंट्रोलर का नाम दीन है अगर दीन नहीं है तो मुझे वो बताएं जो दीन को नहीं मानते कि दीन नहीं है उस कंट्रोलर का नाम तो कौन सीधा इंसान जो है वो ऐसी मशीन है कि अगर इस पर सही ढंग का ब्रेक ना लगाया जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और दीन जो है इंसान के ऊपर एक मजबूत ब्रेक लगाता है नाजरीन दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं इसलिए मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा अपने दूसरे एपिसोड में हमें इजाजत दीजिए खुदा हाफि